जब भी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले पवन पुत्र हनुमान का नाम सब लोगों के जुबान पर आता है और इसी की वजह से आप सभी को भगवान राम और हनुमान से जुड़ी सब कहानियाँ बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से भगवान हनुमान ने राम की सहायता की थी। तो वहीं भगवान राम ने भी हनुमान जी को अपने छोटे भाई की तरह चाहा था। लेकिन आज हम आपको भगवान राम और हनुमान से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि शायद ही आपने कभी सुनी होगी। जी हाँ, कहा जाता है कि भगवान के राम पर के जीवन पर रामायण ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी। लेकिन आपको बता दें कि ऋषि वाल्मीकि से पहले हनुमान ने भी भगवान राम की जीवनी की कथा अपने नाखूनों से लिखी थी। जी हाँ, जब राम जी की लंका से विजय होकर के लौट रहे कर आने पर भगवान हनुमान ने हनुमान शिव की आराधना के लिए कैलाश पर्वत चले गए थे जहाँ पर रामायण लिखी थी, जिसे हनुमान रामायण कहा गया। लेकिन जब ऋषि वाल्मीकि ने अपना रामायण भगवान शिव को दिखाने आए तो उन्होंने हनुमान जी की लिखी हुई रामायण देख ली, जिसके बाद उन्हें बहुत ही दुख हुआ क्योंकि हनुमान जी की लिखी गई रामायण के आगे वाल्मीकि जी की रामायण कुछ भी नहीं थी। जिसके बाद हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई रामायण को अपने ही हाथों से उठा करके समुद्र में फेंक दिया था। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ रूम से प्रियंका राज की रिपोर्ट।